नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, इसमें टॉप बॉमन क्वेश्चन है जो कि हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो उपयोगी है, तो वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों, ये MPPSC 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेरियर एल्विन ने बैगा नामक की पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शहरीय जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं। तो शहराना कहते हैं शहरीय जनजाति के निवास स्थान को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा शहरीय से शहराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पतालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति रहती है। दोस्तों, छिंदवाड़ा में एक पतालकोट स्थान है, उसमें कौन सी जनजाति रहती है, भारिया जनजाति रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है, बैवार झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है। तो बैवार झूम खेती जो है तो किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों, बैगा जनजाति में। इसका सही आंसर हो जाएगा बैगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है दोस्तों कि घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। तो घोटुल प्रथा जो है तो गोंड जनजाति में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों, ये MP फॉरेस्ट गार्ड 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, यह भील जनजाति में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा भील जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गोल गधेड़ो विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। गोल गधेड़ो विवाह प्रथा दोस्तों, यह भील जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घोटुल तथा बाड़ा परंपराएं किस जनजाति में पाई जाती है। तो गोंड जनजाति में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, घोटुल तथा बाड़ा परंपराएं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हलवा जनजाति किस जिले में पाई जाती है। तो हलवा जनजाति दोस्तों बालाघाट जिले में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति भील की नहीं है। तीन क्वेश्चन इन जो ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी उपजात जो है तो भील की नहीं है दोस्तों, पांडो। ठीक है ना, पांडो जो है तो भील की उपजाति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पनिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये MP पटवारी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उरांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोंड की उपजाति नहीं है। तो भारिया जो है तो दोस्तों यह गोंड की उपजाति नहीं है। ठीक है, परिधान, अगरिया और सोलहस जो है तो यह गोंड की उपजाति है, जबकि भारिया नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये MPPSC 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारिया जनजाति है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है, नाहर कठमैना विंझवार किस जनजाति की उपजाति है। तो ये बैगा जनजाति की जो है तो उपजाति है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। तो झाबुआ। ठीक है दोस्तों, झाबुआ जिले में तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये MPPSC 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण के जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो गोंड जनजाति की जो है तो जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां, 46 जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। तो भिंड। ठीक है दोस्तों, भिंड जिले में न्यूनतम जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में देश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो 15.6%। ठीक है दोस्तों, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये MPPSC 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बैगा, सहरिया, गोंड और कोल जनजाति जो है तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हो तथा मुंडा आदिवासियों के युवा ग्रहों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गिटी ओरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शहडोल संभाग में है जो तो सहरिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में वैश्यावृत्ति का प्रचलन है, तो बेड़िया जनजाति जो है दोस्तों तो इसमें तो वैश्यावृत्ति का प्रचलन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या कितनी है, तो 1.22 करोड़ आदिवासी की जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं, तो भील के निवास स्थान को दोस्तों फाल्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आदिवासी उपयोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरंभ हुई है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना प्रारंभ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किन जिलों में बैगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, तो मंडला, शहडोल, सीधी, बालाघाट जिले में दोस्तों यह मुख्यतः बैगा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नृवंशी रूप गोंड जनजाति किस प्रकार से संबंध है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि भगोरिया हॉट का संबंध किससे है, MPPSC 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो भगोरिया हॉट का संबंध किससे है, झाबुआ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दंडामी एवं मेटा कोइतूर किस जनजाति की उपजाति है, तो माड़िया जनजाति की है उपजाति है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं, तो कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि पतालकोट टिक्की निम्नलिखित विशेषता में से कौन सा सही है, इसका क्षेत्र 79 वर्ग किलोमीटर गहरी खाई है, पतालकोट में भरिया जनजाति रहती है, इसमें सूरज देर से आता है तथा जल्दी डूब जाता है, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ये सभी पतालकोट की विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, MP पटवारी 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, सरहुल नृत्य मुख्यतः उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कोल जनजाति के लोग गांव या शहर के समीप अपना अलग निवास बनाकर रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, टोला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है, ये MPPSC 2014 में पूछा गया था दोस्तों, तो बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व कितने वर्ष बाद मनाया जाता है, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है दोस्तों गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है, तो गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है दोस्तों, द्रविड़ियन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा एक असत्य है, तो इसका असत्य क्या है दोस्तों, बैगा एक प्रिमिटिव जनजाति है, बैगा गुदना प्रिय होते हैं, शिकार बैगाओं का प्रिय शौक होता है, बैगा जनजाति निवास स्थान को फालिया कहते हैं, तो इसका जो एक असत्य है दोस्तों ये डी नंबर असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता है, तो अगरिया के प्रमुख देवता लोहासुर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों पारधी जनजाति किस जिलों में निवास करती है, तो भोपाल, रायसेन, सीहोर, ये तीनों जिलों में पारधी जनजाति जो है तो निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1965 में आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बढ़ती अनुसूचित जनजाति के क्रम में कौन सा जिला समूह नहीं है, ये MPPSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इसका भिंड, दतिया, मुरैना, शाजापुर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अध्ययन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की जनजातियों में कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कोल जनजाति निम्नलिखित में से किस जिला समूह में निवास करती है, तो रीवा, सीधी,
सतना जिलों में निवास करती है। तो ये रहे दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।